नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज़ के 9वें वीडियो में। दोस्तों, अक्सर आप जब भी बड़े पावर स्टेशन के पास से गुजरते होंगे तो इस सिलेंड्रिकल डिवाइस पर आपका ज़रूर ध्यान गया होगा। क्या आप जानते हैं कि यह डिवाइस पावर स्टेशन पर क्यों लगा होता है? अगर हाँ, तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट विजुलाइज कराने जा रहा हूँ, इससे आपके इंजीनियरिंग के और भी बहुत सारे डाउट आज ही क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी कोई इंपॉर्टेंट बात रह जाए तो आप अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, यह डिवाइस जिसका नाम होता है वेब ट्रैप, यह तो सिर्फ एक पार्ट है बड़ी प्रोसेस का, और इस प्रोसेस का नाम है PLCC, यानी पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। कई लोग पहली बार यह जानकर अचंभित होंगे कि यह जो कंडक्टर्स दिखते हैं ट्रांसमिशन लाइन पर, इनका काम सिर्फ इलेक्ट्रिकल पावर को ही एक पावर स्टेशन से दूसरे पावर स्टेशन तक ले जाना नहीं होता। इन कंडक्टर्स के द्वारा सब स्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन भी होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह टेलीफोन सिग्नल, फैक्स, डीटी सिग्नल और टेलीमेट्री का भी वर्क करते हैं। यानी दो सब स्टेशन के बीच में लोग आपस में टेलीफोन पर बात कर सकते हैं, जैसा कि वह अगले 1 घंटे का प्लान बता सकते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर सर्किट को बंद करने वाले हैं, वह किसी रिकॉर्ड को फैक्स कर सकते हैं, और इन्हीं कंडक्टर द्वारा फॉल्ट होने पर ट्रिपिंग कमांड को भेजा जा सकता है दूसरे सब स्टेशन तक। उदाहरण के लिए मान लीजिए दो सब स्टेशन के बीच में फॉल्ट आता है और यह वाला रिले सेंस कर लेता है, तो यह इससे जुड़े सर्किट ब्रेकर को तो ऑफ करेगा ही, साथ ही साथ यह PLCC पैनल को ट्रिप कमांड देगा, जो कि कपलिंग कैपेसिटर की मदद से दूसरे सब स्टेशन तक ट्रिप सिग्नल भेजेगा और यह सर्किट ब्रेकर भी ऑफ हो जाएगा। साथ ही साथ PLCC पैनल की मदद से हम टेलीमेट्री का भी वर्क कर सकते हैं, मतलब अगले सब स्टेशन पे अलग अलग सर्किट में कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, KVA, पावर फैक्टर जैसी रीडिंग्स को हम इस सब स्टेशन पर जान सकते हैं, यानी उन्हें मेजर भी कर सकते हैं और उन्हें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो इतने सारे काम यह PLCC सिस्टम करता है, और इसके अलावा कई सारे। दोस्तों, हमको घरों में जो मिलता है उसे हम पावर सिग्नल बोलते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स या 60 हर्ट्स होती है, और हमें 3000 वाट तक की पावर उपलब्ध कराई जाती है। यह हमारे लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लाती, इसका उपयोग हम बस लाइट प्रोडक्शन, मोशन और हीट प्रोडक्शन करने जैसे कार्य के लिए करते हैं, जबकि ट्रांसमिशन लाइन में दोनों ही सिग्नल होते हैं, पावर सिग्नल 50 या 60 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी वाला, जिसमें पावर लेवल मेगावाट्स में होती है, और जो दूसरे सिग्नल इनमें होते हैं इसे कैरियर सिग्नल भी बोलते हैं या कैरियर करंट भी बोलते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी अधिक होती है। कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी रेंज रखी गई है यह 30 से 200 किलो हर्ट्स US के लिए है, जबकि UK के लिए यह 80 से 500 किलो हर्ट्स तक की है, और भारत में इसकी रेंज है 3 किलो हर्ट्स से 148 किलो हर्ट्स। इसकी पावर अधिक नहीं होती, यह बस सैकड़ों वाट की होती है, क्योंकि इसका कार्य सिर्फ सबस्टेशन के बीच में इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करना है। यह हमारे घरों तक इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि सबस्टेशन में ही इंटर होने से पहले इन्हें निकाल लिया जाता है, और जो कुछ बचता है उन्हें वेब ट्रैप द्वारा रोक दिया जाता है। दोस्तों, अब एक सवाल उठता है कि क्या एक तार में, एक कंडक्टर में दो अलग फ्रीक्वेंसी के करंट फ्लो कर सकते हैं? बुनियादी तौर पर सोचने वाली बात है, आखिर करंट होता क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एसी करंट में इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में कुछ इस प्रकार से फ्लो करते हैं, पहले एक दिशा में फिर दूसरी दिशा में। अब क्या एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स दो अलग अलग धारा में बह सकते हैं कुछ इस प्रकार से? जी नहीं, वास्तव में इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से फ्लो करते हैं। ध्यान से देखिए, इनका जो बड़ा मूवमेंट है यह पावर वोल्टेज की वजह से है, और इनका जो अपनी ही दूरी पे मूवमेंट हो रहा है यह कैरियर वोल्टेज की वजह से है। तो इस प्रकार से एक कंडक्टर में दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के करंट को फ्लो कराया जा सकता है, और एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में ही पावर के साथ साथ इन्फॉर्मेशन को भी ट्रांसमिट करा जा सकता है। जब इन्फॉर्मेशन को हाई फ्रीक्वेंसी करंट में बदल कर ट्रांसमिशन लाइन में इंजेक्ट करा जाता है, तब वह दोनों ही तरफ सबस्टेशन में एंटर ना हो सके, इसके लिए वेब ट्रैप लगा होता है। वास्तव में यह कुछ और नहीं, एक इंडक्टर कॉइल है
जो ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में कनेक्ट करी होती है। और हम जानते हैं इंडक्टर करंट के चेंज को अपोज करता है। जितना हाई फ्रीक्वेंसी करंट होगा उतना ही ज़्यादा अपोजिशन मिलेगा, मतलब रिएक्टेंस ज़्यादा होगा। इसलिए यह पावर फ्रीक्वेंसी को कम अपोज करता है और पावर सिग्नल इसको आसानी से पास कर जाते हैं, जबकि यह कैरियर फ्रीक्वेंसी को अधिक रिएक्टेंस देता है और कैरियर करंट इसमें इंटर नहीं कर पाते। वह तो कपलिंग कैपेसिटर में इंटर कर जाते हैं जो कि पीएलसीसी पैनल से जुड़ा होता है, क्योंकि कैपेसिटर का रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस वजह से कैरियर करंट इसमें इंटर कर जाता है क्योंकि कपलिंग कैपेसिटर इसको कम रिएक्टेंस देता है, जबकि पावर फ्रीक्वेंसी को काफ़ी अधिक रिएक्टेंस मिलता है और वह इसमें इंटर नहीं कर पाता। इस सारी प्रक्रिया के लिए इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसे बड़ी ध्यान से सिलेक्ट करना होता है। इसे बोलते हैं ट्यूनिंग। तो दोस्तों, अब हम पीएलसीसी की काफ़ी सामान्य बातों को जान चुके हैं। मैं इस टॉपिक पर और वीडियो लाऊंगा और पीएलसीसी सिस्टम से जुड़ी बहुत सारी बातों को बताऊंगा। आशा करता हूँ क्या यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो नए व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।